इस्लाम को मानने वाले बड़ा ही गुरूर से फिरते हैं। वो कहते हैं कि हमारा ही मज़हब सबसे सच्चा है, लेकिन वो तो सबको पता है कि उनका मज़हब कैसा है, और उनके ही बीच का एक आदमी हमें बता रहा है। देखो, ध्यान से सुनो, इस्लाम की क्या सच्चाई है। कि वो जितने भी मौलाना है ना, मैं उनसे सबसे ये पूछना चाहूँगा, क्या वो अपनी बहन और बेटी के लिए हलाला पसंद करेंगे? क्या वो अपनी बहन और बेटी के लिए चार शादी पसंद करेंगे? क्या वो अपनी बहन और बेटी के लिए तीन तलाक पसंद करेंगे? अगर वो अपनी बहन और बेटी के लिए करेंगे तो वो अपने घर से पहले शुरुआत करें, दूसरे की बहन को ये सलाह ना दें। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ उनसे कि दूसरे की बहन बेटी को मैं आज गर्व इसलिए महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक बेटी का बाप हूँ। मैं आज गर्व इसलिए महसूस कर रहा हूँ कि मेरी भी दो बहनें हैं। अगर मेरी बहनों को सम्मान मिला है तो आतिफ रशीद को सम्मान मिला है। अगर मेरी बेटी के अधिकार सुरक्षित हुए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तो वह आतिफ रशीद के भी अधिकार सुरक्षित हुए। इसलिए मैं गर्व के साथ ये बात कहता हूँ कि आप इसको केवल मुसलमान महिलाओं की बात मत समझिए। तीन तलाक पर पाबंदी हर बाप के लिए सम्मान है। तीन तलाक पर पाबंदी हर बेटे के लिए सम्मान है। तीन तलाक पर पाबंदी हर भाई के लिए सम्मान है जिसकी एक बहन है। हर बाप के लिए सम्मान है जिसकी एक बेटी है, क्योंकि उसकी बेटी को नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा प्रदान करा।